दोस्तों जय हिंद जय भारत, मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों नीमच मंडी की एक बड़ी खबर दे देता हूं आपको। नीमच मंडी चालू होने वाली है। जी हां, आपने सही सुना है, नीमच कृषि उपज मंडी 27 अप्रैल 2020 से चालू होने की चर्चा है। फाइनल नहीं कह सकता हूँ, मगर 99.99% फाइनल है। दोस्तों कुछ भी विपरीत परिस्थिति हो जाए तो शासन का आदेश तुरंत आ सकता है और चेंज हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो मान के चलिए आप 27 अप्रैल 2020 से नीमच कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य प्रारंभ हो जाएगा लहसुन का। जी हाँ, सही सुना आपने, लहसुन का, क्योंकि लहसुन की अभी तक चर्चा नहीं आया था। सौदा पत्रक पे तो खरीदी चालू है, मगर 27 अप्रैल से लहसुन का और गेहूं का दो मंडियां चलने की खबर है। दो मंडियों का नीलाम कार्य होगा। और नीलामी कार्य कैसे होगा? नीलामी कार्य बिल्कुल परिवर्तन तरीके से होगा। नीलामी कार्य होगा सबसे पहले ट्रॉलियों के अंतर्गत ही, इसके अलावा कोई नीलामी नहीं होगा। सिर्फ लहसुन और गेहूँ का नीलामी कार्य होगा। दोनों जिनसों का नीलामी कार्य ट्रॉलियों के अंतर्गत होगा और अलग अलग रूट बनाए जाएंगे। आज किस अलग अलग गांव के हिसाब से कि कल किस गांव को बुलाना है, कल किस गांव को, वो सब रूट प्रशासन अभी तय करेगा। मगर अभी तक की बड़ी खबर मैं आपको दे देता हूं कि मंडी प्रारंभ होने वाली है 27 अप्रैल 2020 से नीमच कृषि उपज मंडी। और लहसुन और गेहूं के लिए उसकी व्यवस्था कैसे रहेगी मैं वो भी आपको बता देता हूं। नीलामी का कार्य जो रहेगा वह रहेगा ट्रॉलियों के अंतर्गत। 200 ट्रॉली लगभग गेहूँ की आएगी और लगभग 100 ट्रॉली लगभग लहसुन की परमिशन है। तो दोस्तों इस पर सहमति बनी है कि 200 ट्रालियां जो रहेगी वो एक दिन में प्रवेश दिया जाएगा मंडी प्रांगण में गेहूं का, और उस ट्रैक्टर के ऊपर दो किसान भाइयों से ज़्यादा को प्रवेश नहीं रहेगा। और लहसुन की जो ट्रॉलियां रहेगी वो लगभग 100 ट्रॉली का एक दिन में प्रवेश दिया जाएगा और माल सिर्फ नीमच जिले का ही बिकने के लिए आएगा। तो दोस्तों लहसुन में तो इतनी समस्या नहीं आएगी क्योंकि 100 ट्रोलियाँ तो लगभग बहुत होती है नीमच जिले के हिसाब से, क्योंकि नीमच जिले में तो इतना लहसुन नहीं है जितना लहसुन अन्य जिलों से नीमच में बिकने के लिए आता है, राजस्थान से और उज्जैन इंदौर साइड से। तो दोस्तों ये है बड़ी खबर आप तक अभी तक की कि नीमच मंडी में नीलामी कार्य प्रारंभ होने वाला है और लहसुन का और गेहूं का सिर्फ दो जिनसों का नीलामी कार्य प्रारंभ होगा। लहसुन और गेहूं 200 ट्रॉली की परमिशन रहेगी एक दिन के अंतर्गत गेहूं के लिए आने की, और 100 ट्रॉलियों की परमिशन रहेगी लगभग लहसुन को नीमच मंडी में आने की। तो लगभग 300 ट्रॉलियां कुल आ सकती है नीमच मंडी में, इससे ज़्यादा नहीं। यह प्रस्ताव बना है अभी और ये इस पर सुझाव इसके ऊपर अलग अलग गांव वाइज लिस्ट बनेगी कि किस गांव का लगभग कितना आएगा। तो ये पूरी खबर है अब तक। तो ये थी नीमच मंडी की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले आप तक हर खबर विश्वसनीयता के साथ। यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित नहीं होती है तो नीमच मंडी 27 अप्रैल 2020 से चालू हो जाएगी। अप्रत्याशित घटना का मतलब आप समझ चुके हैं, क्योंकि माहौल कैसा है कुछ भी हो सकता है। मगर अभी तक की जो खबर है, जो सहमति बनी है मंडी चलने की, वो मैंने आप तक दी है। और नीमच मंडी की यही सबसे बड़ी अभी तक की खबर है। मंदसौर की खबर भी हमने आपको दे ही दी है, चालू होने का वीडियो भी दिया था। आज 22 अप्रैल का दिन और नीमच मंडी में 27 अप्रैल से लहसुन और गेहूँ का ट्रोलियों के अंतर्गत नीलाम होगा। कौन से गांव का माल कब आएगा इसकी सूचना प्रशासन द्वारा दे दी जाएगी, उसको अभी समय लगेगा, 4 दिन है। मगर मैं आपको सबसे पहले यह खबर पहुंचा देता हूं, जो भी नीमच जिले के किसान भाई हैं और जो भी व्यापारी बंधु हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये खबर अभी तक के लिए आपके लिए पहुँचाने का कार्य किया है। सबसे बड़ी लेटेस्ट और सबसे अच्छी खबर है कि मंडी में गतिविधियाँ प्रारंभ हो जाएगी। सौदा पत्रक के माध्यम से अभी सभी जिनसों की खरीदी बिक्री नीमच मंडी में चालू है नीमच जिले के किसान भाइयों के लिए। तो सौदा पत्रक के हिसाब से कार्यकाश तो चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा गेहूं और लहसुन का ट्रोलियों में नीलाम हो जाएगा। तो बाकी जिनसों का सौदा पत्रक से काम चलेगा और गेहूं और लहसुन का काम होगा आपका ट्रोलियों के अंतर्गत। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, न पसंद आए तो डिसलाइक करें। यही अपडेट था अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मंडी के संबंध में। और रोजाना अपडेट पाने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत। दोनों दोस्तों लाइक और डिसलाइक में से एक का ऑप्शन जरूर करें, क्योंकि आपने वीडियो देखा, आपका कीमती समय बिगाड़ा। ना पसंद आए तो डिसलाइक करें तो भी अच्छा लगेगा, पसंद आए तो लाइक करें तो भी अच्छा लगेगा। जय हिंद जय भारत।